बात और बताऊं, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। आप बाद में जब दुर्गेश दुबे को सुनेंगे, आप बाद में जब जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं दादा राज जी को सुनेंगे, तो आपको वास्तव में लगेगा कि जेएससी के अंदर कोई कवि सम्मेलन हुआ था। बहुत अच्छा कवर पाठ करके मेरे छोटे भाई विवेक पारिक जी गए हैं, मैं सारी बधाई सारी शुभकामनाएं उनको देता हूँ। मुझे तो याद आता है मैं जबलपुर जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे एक व्यक्ति मिल गया, उसके होंठ बुरी तरह जले हुए थे। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भैया तुम्हारे होंठ इतनी बुरी तरह कैसे जल गए। बोला वो कवि महोदय जी कुछ बात नहीं थी, वो अभी मैं अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आया था, वो मायके जा रही है। मैंने कि ये बताओ कि उनके मायके जाने से आपके होंठों का जलने का क्या संबंध। कहते थे कि भाई साहब खुशी इतनी थी, मैंने खुशी में रेल के इंजन ही चूम लिया। तो इस तरह के भी लोग हैं, लेकिन राजनीति की बहुत बड़ी हमारी हस्ती सामने बैठी है, उनके बारे में मैं बस ये कह सकता हूँ, आदरणीय मासूम दादा ने लिखा है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। आज कॉलेज कहता है कि आदरणीय शरद जी यहाँ से निकले हैं कि तुम्हारी शख्सियत, दादा आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारी शख्स, और मैं भी जो आता हूँ जहाँ पर आप बैठते नोएडा से आता हूँ, दिल्ली के पास से आता हूँ, कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आज जेएससी का नाम उनके नाम से चल रहा है, और मैं सभी छात्रों को ये शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य में आपके नाम से जेएससी का नाम चलेगा, और जेएससी इस बात पे गर्व करेगा कि कभी हमारे हॉस्टल में हमारे कॉलेज में ये छात्र पढ़ते थे। चाहे मेरा छोटा भाई नितेश गर्ग हो, चाहे मेरा छोटा भाई वेल्ले जी बहुत काम कर रहे हैं, आदरणीय मेरे बड़े भाई पाटीदार जी हो, जो जैसा भी काम कर रहे हैं, सभी मित्र वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसकी कलम का लोहा मुंबई तक उन्होंने मनवाया है, चाहे वाह क्या बात हो, चाहे देश का कोई भी टीवी चैनल हो, बहुत कम उम्र में उसने बहुत मेहनत के साथ में अपनी जगह स्थापित की है। दुर्गेश दुबे युवा कवियों में कोई नया नाम नहीं है, जहां पर श्रृंगार की बात आती है, प्रेम की बात आती है, वहां दुर्गेश दुबे का नाम लिया जाता है। चार पंक्तियों के साथ अपने छोटे भाई को बुलाना चाहता हूँ कि हंसी चेहरे जब से ख्यालों में आ गए, दादा सुरेश फक्कड़ की पंक्तियां हैं कि हंसी चेहरे जब से ख्यालों में आ गए, मुद्दतों बात हम उजालों में आ गए, और उठाकर तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। जोरदार तालियां बजाएं, दुर्गेश दुबे मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद अमित शर्मा जी। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि कवि की कल्पनाएं अपार होती हैं और वो शब्दता को दर्शाती हैं, और आज इत्तेफाक ही ऐसा है कि हमको सेकंड स्लॉट फिर से बंद करना पड़ रहा है, इसके बाद फिर से शुरू करेंगे। विवेक पारिक जी की कविता वाकई अद्भुत थी। इसमें हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, हम कोई महान नहीं है, महान तो हमारा खानदान है, क्योंकि हम, हमारा खानदान मीरा का है, रश खान का है, सूरदास का है, हम ऐसे खानदान से आते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा और योर टीम से कि थोड़ी देर के लिए फिर से कवि की कल्पना को रोका जा रहा है, इसके बाद से पुनः प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट के परफॉर्मर हैं और हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री शरद यादव जी, उनके कई जगह कार्यक्रम हैं, फिर उसके बाद से पुनः हम शुरू करेंगे कवि की कल्पना।